माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु बेटी बच कहाँ रही है? ऐसे ऐसे लोग दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम और इन्होंने 9 साल की लड़की की वीडियो को ऐसे तोड़ मरोड़ कर टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया। क्या खट्टर सरकार अंधी है? यूँ तो बड़े बड़े नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचेगी कैसे? ऐसे ऐसे दलील लोग हमारे देश में बैठे हैं जो कि हमारे देश के कानून से भी ऊपर है। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी सबको सजा मिले और हमें न्याय दे। इसमें दो अभियुक्त हैं, एक का नाम दीपक चौरसिया है, एक का नाम ललित पाठ गुर्जर है, उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू है। देश के बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया और ललित सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज जनजागरण मंच ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये जनजागरण मंच के सदस्य हैं जो हाथों में बैनर लिए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का दुहाई दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर अगर कोई गरीब आदमी होता तो अब तक उठा लेता, आप सबको पता होगा, लेकिन क्या एक मीडिया जगत से जुड़े हैं इसलिए क्या उनको बचाया जा रहा है? तो आज यही है कि जब एक कमिश्नर ऑफिस में जब वारंट की कॉपी आई हुई है तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर गिरफ्तारी किया जाए, उसको अमल में लाया जाए, उस आदेश को। दरअसल आपको बता दें कि 2013 का एक मामला था जिसमें आशाराम बापू के नाम पर एक निर्दोष परिवार को न केवल प्रताड़ित किया गया था बल्कि उसके मान सम्मान की हानि इस प्रकार की गई कि वो परिवार गुरुग्राम ही छोड़ गया। जो उनके साथ आसाराम बापूजी के साथ उसमें जोधपुर जेल में था, वो पुलिस की कस्टडी में मोबाइल में वहां से क्लिप लिया कि ऐसा कोई क्लिप जिसमें कि वो किसी बच्ची को अकेले में हो या आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसा कोई ढूंढो। तो मीडिया ने वो यहाँ गुरुग्राम में एक साधक के घर जब वो 2012-13 में गए हुए थे बापूजी, तो वहाँ उस बच्ची को आशीर्वाद देने की मुद्रा जो कि 100-200 आदमियों के सामने होती है, लेकिन मीडिया ने उसको एडिट करके इस तरह से दिखाया, गुफा कांड करके दिखाया उसको, और जो उस बच्ची का जो फूफाजी थे उनको बता दिया वो शिवा। मीडिया के कारनामे सुनिए मैडम आप, तो उसको बता दिया शिवा, और वो जो लड़की थी, वो जो जो उनकी जो मिसेस थी उसको बता दिया शिल्पी, जो जोधपुर केस में थी। एक बार आप ये बताइए कि शिवा और शिल्पी हैं कौन? शिवा और शिल्पी आसाराम बापू जी के अंगद सेवादार थे, और वो जोधपुर के जो फेक केस है वो भी जोधपुर वाला, उसमें वो आरोपी बना करके वो भी जोधपुर जेल में थे। आप इससे समझ गए होंगे। तो वो इन्होंने मीडिया ने क्या कुकर्म किया जिसमें दीपक चौरसिया का मुख्य रोल बताया जाता है। दीपक चौरसिया ने पुलिस से साठगांठ करके वो वीडियो ली और उसको अश्लील दिखा करके गुफा कांड नाम से दुनिया को गुमराह किया, और ये बोला देखो ये जो आसाराम बापू हैं ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये खाली जोधपुर केस में जिस केस में अंदर है यही केस इनके ऊपर सच नहीं है, ये तो किस तरह से लड़कियों के साथ में मोलेस्टेशन करते हैं, ये देखिए गुफा। एक साधक के घर को यही गुरुग्राम में उसको गुफा बना दिया गया, क्यों? कि संत की छवि बदनाम करनी थी। माध्यम से गिरफ्तारी वारंट है, फिर क्यों नहीं नॉन अवेलेबल, उसके बावजूद ही नहीं करे, तब दुख होता है। एक तरफ सरकार करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी बेटी कहाँ बचेंगी तो आप बताओ। ये डूब मरने की बात है, हम तो सहयोग दे रहे हैं, जनजागरण मंच तो सहयोग दे रहा पुलिस को, जो हमारा सहयोग ले नहीं रहे, बावजूद उसके फिर जिप्सी लेके गाड़ियां लेके घूमते रहेंगे, वो नहीं मिला ये नहीं मिला, बड़े दुख की बात है ये। और हमें ज्यादा इस बात में कोई हमें प्रसिद्ध होने के लिए कोई वो नहीं करना, सिर्फ जनजागरण मंच सहयोग दे रहा है, ये ले नहीं रहे, इसका कारण हमें पता नहीं चला आज तक, वजह तो कोई ना कोई है। ये चाहता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए दीपक चौरसिया जी को, और उसको रिमांड पे लिया जाए कि किसके कहने पर इसने ऐसा काम किया है। ये जो बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ में वारदात की गई और इस तरह से और काट पाट कर फोटो को करा गया, उसको जो रिमांड लेकर के पता जाए किसमें किस नेता का हाथ है, किस शख्स का हाथ है जो किसके कहने पर ये कर रहा है। कि भाई पास्को एक्ट जो है, जब एक कानून एक देश, तो फिर एक आम आदमी को तो कभी भी पास्को एक्ट लगने के बाद पहले गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद में उसकी कार्रवाई होती है, और यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि मीडिया से पुलिस प्रशासन भी डरता है, सरकार भी डरती है, तो यहाँ
अभी तक आज तक जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो रहे हैं उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो बड़ा सोचने का विषय है। दरअसल पूरा प्रकरण उसी से जुड़ा हुआ है जहां टीवी चैनलों पर आरोप है कि इन्होंने बिना तथ्य को खंगाले आसाराम बापू के सहयोगी और सेक्स रैकेट में शामिल कुछ तस्वीरें दिखाई जो बिल्कुल निर्दोष लोगों की थी और उसकी कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से जांच पड़ताल नहीं किया गया था। इस पूरी घटना के बाद जनजागरण मंच ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम में मामला तो दर्ज हो गया लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये हैं कि 28 अक्टूबर को गुरुग्राम अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम बड़े पत्रकार और कई बड़े लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया था लेकिन उस दौरान दीपक चौरसिया पत्रकार और ललित सिंह पत्रकार ये दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि 28 अक्टूबर को यह वारंट जारी होता है लेकिन परिवार को इसकी सत्यापित कॉपी 1 नवंबर को मिलती है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये रसूखदार पत्रकार गिरफ्तार कैसे हों, क्या पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, इस पर संशय बरकरार है और अभी तक पुलिस ने इसमें कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की। ऐसे में आज जनजागरण मंच ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंच घेराव किया और अधिकारियों से मिलकर इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। बारे में ये बोलना चाहेंगे कि दीपक चौरसिया को जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद भी वो 3 बार से क्यों नहीं आ रहा है कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात किसी बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है देश में, सबके लिए पासपोर्ट कानून लागू है पर उसके लिए क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों गायब हो रहा है, क्यों इधर उधर भाग रहा है, क्यों अपनी सफाई क्यों नहीं पेश कर रहा है और क्यों नहीं वो कोर्ट में आना चाह रहा है, उस बच्चे को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम इसी वजह से इकट्ठे हुए, आज इस बच्चे पर लगा, कल किसी और पर मीडिया लगाएगी, परसों किसी और पर लगेगी। इस देश की नारी का अपमान नहीं होना चाहिए, न किसी बच्चों के साथ गलत होना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि देश के संतों को बदनाम किया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है और जो असली परे भी असली बदमाश है उसको बचाया जा रहा है। हमें इसी बारे में न्याय चाहिए, उस बच्चे के साथ न्याय हो और संत के साथ न्याय हो।